नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। आज यानी 3 जून, 3 जून को एक साल पूरे हो गए एक्टिविस्ट छात्रा पिंजरा तोड़ की दो कार्यकर्ताओं नताशा नारवाल और देवांगना कलिता को जेल में 365 दिन। और ठीक उसी तरह से सुधा भारद्वाज, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता जिन्होंने पूरा जीवन आदिवासी और मजदूरों के हकों के लिए लड़ते हुए बिताया, उन्हें जेल में 1000 दिन हो चुके हैं। ये दोनों ही या तीनों ही लोग अलग अलग मामलों में गिरफ्तार हैं, जेल अलग अलग हैं, राज्य अलग अलग हैं, लेकिन इन तीनों के नाम इसलिए अहम हैं क्योंकि यह लोकतंत्र में वंचितों की आवाज को उठाने, दूसरे ढंग की एक अमन बिरादरी कायम करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसलिए इन तीनों के संघर्ष और इनके साथ साथ बाकी लोगों के संघर्ष को याद करना बेहद जरूरी हो जाता है। एक तरफ हम पाते हैं कि हमारे देश में जो लोग हकों की आवाज उठाते हैं, मजदूरों मजलूमों की बात करते हैं, उनके ऊपर FIR होती हैं, उन्हें जेलों में डाला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी में जब देश मरघट में बदल रहा है, लाशों की गिनती हम नहीं कर पा रहे, हमारी सरकारें नहीं कर पा रही, उस समय मुनाफाखोरों को खुली छूट दी हुई है, हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। कितनी हैरानी की बात है कि जिस समय आप और हम किसी तरह से अपने जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगाई गई। सिर्फ मई में 17 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए और कहीं से भी कोई हंगामा नहीं। हम सब जानते हैं कि किस तरह से हमारे और आपके खाने में जो तेल इस्तेमाल होता है, उसकी कीमतों में 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए तक की वृद्धि सिर्फ 30 दिन में, 40 दिन में की गई। और इसका फायदा निश्चित तौर पर जो बड़े औद्योगिक घराने हैं उनको हुआ। एक तरफ इस तरह की मार हमारे ऊपर है, वहीं दूसरी तरफ जो दिखाई दे रहा है कि कोरोना महामारी के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नया घर और नई संसद तो बनवा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी और आपकी जो संपदा है, देश की जो प्रॉपर्टी है, हमारे आपके पैसे से जो बनी हुई चीजें हैं, उन्हें बेचा जा रहा है और यह बेचना पूरी निर्लज्जता के साथ चल रहा है। ठीक इसी समय हमारे सामने आता है कि रेल को बेचने के बाद इस समय रेलवे के जो स्टेडियम हैं उनको बेचा जा रहा है। जी हाँ, 15 स्टेडियमों को जो रेलवे के हैं उन्हें बेचने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, उन्हें निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे इस समय आपकी स्क्रीन में जो सरकार का पूरा ब्यौरा है वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इसमें स्टेडियम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस के हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका जो प्रिय शहर है जहां से वे आते हैं गोरखपुर है, लखनऊ की राजधानी है, चेन्नई है, रांची है, बेंगलुरु है, यानी 15 टॉप जगहों पर जो रेलवे के स्टेडियम हैं उन्हें भी अब निजी हाथों में बेचा जा रहा है। यह सब तब हो रहा है जब हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है, देश को देशवासियों को पैसे की जरूरत है। इस समय सबसे बड़ी जरूरत यह है कि सरकार कोई पैकेज अनाउंस करे। करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन हम पाते हैं कि इस दौर में जब कोरोना की दूसरी लहर आई है, अभी तक मोदी सरकार ने तमाम लोगों के लिए कोई ठोस राहत, कोई पैकेज अनाउंस नहीं किया है। आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम में ले चलेंगे भारत के एक ऐसे इलाके की तरफ जो अक्सर चर्चा में सिर्फ हिंसा के दौरान आता है, जिसके बारे में बहुत निगेटिव रिपोर्टिंग होती रही है। यह है छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका, बस्तर में सिलगर। यहां पर 1 महीने से भी अधिक समय हो गया वहां के आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं वहां के आदिवासी। उनका आंदोलन सिर्फ एक बात पर है, वे नहीं चाहते कि सिलगर में CRPF का कैंप लगे और वहां की कांग्रेस सरकार इस बात पर आमादा है
कि वहां पर जो कदम उसने केंद्र के साथ मिलकर उठाया है उसमें वह कोई रद्दोबदल नहीं करे। यहां पर जो देखने वाली बात है वह यह कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार की तरह ही जब जनता के हकों की बात आती है तो असंवेदनशील रवैया अपनाती हैं, आपराधिक चुप्पी साध लेती हैं। 17 मई को, जी हां 17 मई यानी आज से 20 दिन करीब पहले, वहां पर 3 आदिवासियों की हत्या होती है जो आंदोलन कर रहे थे, उन पर फायरिंग होती है, 3 आदिवासी मारे जाते हैं, 1 गर्भवती महिला उसमें घायल होती है और उनकी बाद में मौत होती है। 20 दिन तक छत्तीसगढ़ की सरकार जो आदिवासियों को हक देने के नाम पर सत्ता में आई, कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था उसके 22वें बिंदु में साफ लिखा हुआ है कि वह नक्सली समस्या को हल करने के लिए आदिवासियों के साथ बैठेगी, शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाएगा। लेकिन देखिए हम क्या पाते हैं कि 20 दिन हो जाते हैं इस हिंसा की वारदात को, तब से आदिवासियों ने जन जंगल जमीन पर अपना कब्जा और वह हक छोड़ने को तैयार नहीं है। वे रोज हजारों की तादाद में आ रहे हैं। आपको स्क्रीन पे हमारे पत्रकार साथियों द्वारा भेजे गए वीडियो फुटेज इस समय दिखाई दे रहे होंगे, जहां पर पता चलता है कि 10,000 से 15,000 की संख्या में ये आदिवासी अपना राशन लेकर खुद आते हैं, यहां पर बैठते हैं, आंदोलन करते हैं। इन्होंने 3 जो लोग मारे गए उनकी याद में स्मारक भी बनाया, वहां पर उन्होंने सभा भी की। सब कुछ चल रहा है इसी आजाद भारत में, और दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि इतने दिनों तक चुप रहने के बाद बहुत मुश्किल से यह सरकार अपनी चुप्पी तोड़ती है। और जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय वहां पर उनका जांच दल पहुंचता है, उन्होंने जो टीम बनाई है जिसका नेतृत्व वहां से कांग्रेसी सांसद करते हैं वे पहुंचते हैं। 3-4 घंटे वार्ता चलती है और सांसद कोई जवाब ठोस नहीं दे पाते आदिवासियों को। वे कहते हैं कि उन्हें 1 दिन का और समय चाहिए। आइए इस मामले में हमने बात की वहां के युवा पत्रकार साथी से जो बस्तर टीवी नाम से एक अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और बहुत ही बहादुरी से वहां लगातार लाइव कवरेज कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो संघर्ष है वो दूसरे मुकाम पर पहुंच रहा है। स्वागत है विशाल जी आपका न्यूज क्लिक में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज बहुत एक अहम बैठक उस इलाके में हो रही है। 17 मई को जो हिंसा हुई थी जिसमें 3 लोग CRPF की गोली से मारे गए थे, तब से लेकर पूरा के पूरा इलाके में बहुत ही तनाव है। आज पहली बार वहां की जो सरकार है वो अपने नुमाइंदों को उन्होंने भेजा है, जांच टीम को भेजा है, जिनके साथ उनकी बातचीत चल रही है। 3-4 घंटे से बातचीत चल रही है, दिन में शुरू हुई थी। आप बताएं कि बातचीत का क्या माहौल था, क्या नतीजा निकला बातचीत का? सिलगेर गांव में सरकार की तरफ से एक कैंप बनाया गया, उस कैंप के विरोध में पिछले 13 तारीख से जो आदिवासी जो ग्रामीण है, सिलगेर के सैकड़ों आदिवासी ग्रामीण उस कैंप के विरोध में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, सड़कों पे उतरे हैं। और कहीं ना कहीं मैम इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से लगातार जो अंदरूनी क्षेत्र के जो लोग है उस कैंप को लेकर इसलिए विरोध कर रहे हैं, उसकी भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। जो लोग है ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग है कैंप के आसपास, उनके आसपास खेती किसानी काम करते हैं लोग, तो उस दौरान उन्होंने खेती किसानी का काम करने गए थे वहां पे। लेकिन इनका कहना है कि जो पुलिस है CRPF की जो टीम है वो इन्हें नक्सली बताकर जेल में बंद कर देते हैं, उनके साथ मारपीटी करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं और जो घर में जितने भी सामान है उसको जला देते हैं। ये तमाम आरोप ये जो ग्रामीण है वो सुरक्षा कर्मियों पे लगा रहे हैं। जी, सबसे बड़ी बात बता दूं मैं। जी हाँ जी, एक चीज जो बिल्कुल साफ है, ग्रामीण शुरू से सिलगर में कैंप के खिलाफ है। बिल्कुल, ये जो सरकार कांग्रेस की आई इसने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था, 22 नंबर 1 सब बिंदु था कि ये नक्सल समस्या का हल करेगी, लोगों से बातचीत करेगी। जब वहां के लोग नहीं चाहते तब फिर क्यों इतना प्रेशर? और 20 दिन लग गए, 3 लोग मरे फायरिंग में, 20 दिन बाद आज वहां कोई एक टीम पहुंची है, ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात कही थी मैम जी। बिल्कुल, देखिए 20 दिनों से ये जो अंदरूनी क्षेत्र के जो ग्रामीण है वो लगातार विरोध कर रहे हैं मैम,
और उनके तीन नहीं मैम चार जो है ग्रामीण वो मारे गए उस गोलीबारी में, तो तीन मारे गए ग्रामीण, ठीक है, और एक प्रेग्नेंट महिला मारी गई, एक प्रेग्नेंट महिला मारी गई है, ठीक है, उसका नाम पूनम समली कुछ नाम है उनका नाम, वो उस भागदौड़ में उनकी मौत हुई। दरअसल चोट आई थी उनको, लेकिन चोट के दौरान उसे अपने घर ले गए थे, तो उनका इलाज लगातार ग्रामीण क्षेत्र से हिसाब से कर रहे थे इलाज, लेकिन उनकी मौत हो गई इलाज के दौरान। और सबसे बड़ी बात मैम देखिए, सरकार इस वक्त छत्तीसगढ़ में पूरी सरकार कांग्रेस की है, देखिए मैम तमाम जो पार्टी के जो लोग है वो कोशिश कर रहे थे सिलगेर पहुंचे, और सिलगेर पहुंच कर हम उन ग्रामीणों से मुलाकात करें ताकि उनकी समस्या का समाधान हम निकाले। और सबसे बड़ी बात मैम आपको बता दूं, मैं पिछले कई दिनों से जब से 13 तारीख से आंदोलन शुरू हुआ, आज देखिए कितने दिन हो गए, आज 20 दिनों बाद माने कांग्रेस की जो सरकार ने, भूपेश की सरकार ने एक जांच दल का टीम चयन किया, उसके बाद आज जांच दल की जो टीम है बस्तर सांसद दीपक बैज जी है उनके साथ, बस्तर के तमाम जितने भी जिले हैं उसके विधायक आज सिलगेर पहुंचे हुए थे। सिलगेर पहुंचने के बाद ग्रामीणों से लगभग 3 घंटे तक का बात हुई, ग्रामीणों का साफ यही माने साफ कहना है कि वहां से कैंप को हटा दिया जाए, वो इससे कम में कुछ नहीं, मानने को तैयार नहीं। 3 घंटे तक का एक चीज बताइए आप, उनके उनके साथ गोलीबारी की गई, 13 तारीख से लगातार धरना कर रहे हैं, 17 मई को पुलिस के तरफ से गोलीबारी की गई थी, गोलीबारी में 3 आदिवासी ग्रामीण मारे गए और उस भागदौड़ में 1 महिला मारी गई, उसके बाद भी ये ग्रामीण वहां से नहीं हटे। तो इन्होंने कितने लोग आ रहे थे, आपके वीडियोस भी मैंने देखे, कितने आदिवासी वहां पर आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने विरोध, 15 से 20 हजार लोग वहां पे लगातार अपने गांव छोड़कर पेड़ पौधे के नीचे बैठकर वो लड़ते रहे, अभी भी लड़ी रहे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, दीपक बैज ने उनसे मुलाकात करने के बाद, जांच दल की जो टीम है, भूपेश की जो जांच दल की टीम है, उन ग्रामीणों से मुलाकात करने के बाद तो उन्होंने ये बताया कि सांसद ने कि हमें 1 दिन का वक्त दिया जाए, ये सबसे बड़ी खबर है आज की, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। ग्रामीणों का स्पष्ट मानना है कि कैंप हटे, लेकिन इसी बीच जो एक और डेवलपमेंट हुआ कि भूपेश बघेल की सरकार के एक प्रमुख मंत्री ने यह घोषणा की कि और कैंप लगेंगे, बिल्कुल बिल्कुल और कैंप लगेंगे, तो ये तो बिल्कुल भड़काने वाली बात हुई कि एक तरफ तो कैंप के विरोध में आदिवासी उतरे हुए, वहीं पर जो उनके प्रवक्ता मंत्री हैं वो आकर बोलते हैं कि और कैंप लगेंगे, और एक तरफ आपने बिल्कुल सही कहा, भूपेश बघेल ने लगातार घोषणा कर रहे हैं कि और भी कैंप लगेंगे, ऐसे में कहीं ना कहीं भड़काने वाली बात भी इस मामले में देखा जा सकता है। जब ग्रामीणों का साफ कहना है मैम, जब तक वहां से कैंप नहीं हटेगा ये तब तक वहां से हटेंगे नहीं, चाहे कितनों की भी जान चले जाए। और मैंने उनसे ग्रामीणों से पूछा था मैम कि आपको कैंप के अलावा और क्या चाहिए अलावा, तो उन्होंने ये बताया कैंप के अलावा हमको स्कूल अस्पताल आंगनबाड़ी चाहिए, पर हमें कैंप नहीं चाहिए। तो ग्रामीणों ने बहुत साफ कर दिया कि उनके लिए विकास मतलब है स्कूल है, आंगनबाड़ी है, और अस्पताल है, अस्पताल है, लेकिन उन्हें कैंप नहीं चाहिए। इसी मसले पर हमने बात की छत्तीसगढ़ के एक अहम आदिवासी नेता अरविंद नेताम से, बहुत सीनियर राजनेता हैं, इंदिरा गांधी के समय से अभी तक राजनीति में हैं, और उन्हें गहरा दुख है जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हकों की अनदेखी हो रही है, और खास तौर से वह यह बात हमारे सामने रखते हैं कि जब से अमित शाह इस इलाके में आया और उन्होंने खुली छूट दी, तब से स्थितियां दोबारा तनावपूर्ण हो गई। हालांकि इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस सरकार जवाबदेह है, और उसने जो किया वह निश्चित तौर पे आदिवासियों की निगाह में एक बड़ा अपराध है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज हम बात करने जा रहे हैं अरविंद जी से, जिनका बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति में। आदिवासी राजनीति किस तरह से अलग अलग मोड़ पर पहुंचती रही है, इसके साक्षी अरविंद जी रहे हैं। आज हम उनसे जो जानना चाहेंगे, वह जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो अभी घटना हुई जिसमें सिलगर बस्तर में पुलिस फायरिंग, सीआरपीएफ की फायरिंग हुई जिसमें लोग मारे गए, बहुत से लोग घायल हैं। अरविंद जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये जो पूरी घटना हुई है, क्योंकि एक इधर लंबे समय से इस तरह की फायरिंग की घटना हमारे सामने नहीं आ रही थी, ये क्या आप देखते हैं कि क्या वजहें रही इसकी? एक तो अभी पिछले महीने जो करीब 22 जवान
नक्सली इनकाउंटर जो हुआ था उसमें मारे गए, और अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी गए थे वहाँ उस इलाके में, बासागुड़ा जगह है वहाँ, और अमित शाह जी ने बहुत साफ शब्दों में पुलिस फोर्स को कहा है कि भाई सख्ती से निपटना है। तो मुझे तो आशंका है कि उनकी ये जो सलाह है या उनकी जो भी एक डायरेक्शन है उसकी वजह से भी अब निश्चिंत होकर के पुलिस फोर्स निहत थे ट्राइबल पे भी ये जो गोली चला रही है ये बहुत दिनों के बाद हो रहा है, ऐसे आमतौर पे नहीं हुआ है। यहाँ तो कई आंदोलन हुए हैं आदिवासियों के नियत है, मैं कई जगह गया भी हूँ पर ऐसा नहीं हुआ। ये चाहते तो पुलिस फोर्स इसको टाल सकते थे पर पता नहीं क्यों ये फायरिंग हुई और ये निर्दोष लोग मारे गए। तो ये तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस बल की जो एक सोच है, हालांकि मैं बहुत सालों से इस समस्याओं को बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला बस्तर में और मैं इसमें समय समय पे कहता रहा हूँ, पर दिक्कत है कि ये जो प्रशासन के तरफ से भी बहुत ज़्यादा इसमें गहराई से आदिवासियों की समस्या को समझने की कोशिश नहीं करते, उनके मनोज्ञान को समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए ये सब घटनाएं हो रही हैं। और नक्सली के नाम के आड़ पे जो भी अब पुलिस आईजी ने कहा कि वहाँ आंदोलनकारियों के बीच में नक्सली रहे वहाँ से फायर हुए, अरे भीड़ से कैसे फायर होगा, ये तो ये जो लॉजिक है पुलिस की तो वो तो गले से उतरता नहीं। नहीं तो सिर्फ भीड़ी से नहीं क्योंकि दोनों तरफ से है, जिन लोगों को गोली लगी है वो पीछे से भी गोली लगी है, और आदिवासियों का ये कहना है कि उनको दोनों तरफ से घेरा गया था, आगे और पीछे भी पुलिस थी, बीच में वो लोग थे, और सिर्फ तीन ही नक्सली कैसे चिन्हित हुए तो सबसे बड़ा सवाल है। नहीं अभी जो पुलिस फोर्स की जो एक कहना कि भाई नक्सली ना पहले जो पीछे से पुलिस कैंप में फायर किए तब पुलिस ने इधर से फायरिंग शुरू किया, पर मैंने बहुत तरफ से जानने की कोशिश की तो ऐसा कोई पुलिस नक्सलियों की तरफ से या नक्सल होने का तो रहे भी होंगे तो भीड़ से फायरिंग आम तौर पे नहीं होती। तो और कई सूत्रों से मैंने कोशिश किया जानने की तो इधर से फायरिंग नहीं हुई, केवल फायरिंग पुलिस की तरफ से हुई है। ये जो सब कुछ चल रहा है दोबारा जिस तरह से शुरू हुआ, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद इस तरह की फायरिंग हमें दिखाई देती है, इसका अमित शाह की जो विजिट थी, अमित शाह जो गए थे उससे क्या संबंध, कितना संबंध आप देख पाते हैं? नहीं मेरा तो एक अनुमान है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की नक्सलियों के प्रति क्या संबंध है ये मैं भी जानता हूँ, और कांग्रेस के पार्टी के भी क्या सोच है ये भी मैं जानता हूँ, पर बीजेपी के जो सोच है नक्सल समस्या या वाम जो समस्या है वो ज़्यादा कठोर है और बहुत डायरेक्ट एक्शन पे विश्वास करते हैं। तो मैं एक अंदाज लगाता हूँ बासागुड़ा जो जहाँ गए थे, ये तो हार्टलैंड है ना जहाँ अभी जो घटना हुई, तो ये मान के चलता हूँ कि कहीं ना अखबार में छपा भी कि सख्ती से आपको निपटना है इससे, तो इससे अंदाज तो मेरा लगता है कि कहीं ना कहीं एक पुलिस फोर्स को कहा गया है। और चूंकि नक्सल समस्या इंटरनल आंतरिक सुरक्षा का सवाल है देश में, ये भारत सरकार ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इस मामले में, राज्य सरकार कम जिम्मेदार है, पर मैं नहीं कहता कि राज्य सरकार भी जिम्मेदार नहीं, पर राज्य सरकार भी है पर ज्यादा केंद्र सरकार जिम्मेदार है, और ये मेरा एक अपना अनुमान है। अगर सरकारों में बैठे चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, अगर ये समझते हैं कि केवल बंदूक के नोक से या गोली से ही ये समस्या का समाधान होगा तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, और मुझे दुर्भाग्य कहना पड़ता है कि इस देश में अगर ये सोच है ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य देश का। दोस्तों इस समय दृश्य बहुत ही जबरदस्त है, नए नॉर्मल रोज रोज हमारे बीच आ रहे हैं। बचपन में आपने कहावत सुनी होगी, जिन्होंने भी ट्रेन और बसों में सफर किया है वे सब जानते होंगे कि उस समय
जो सरकारी या प्राइवेट बसें चलती थी, वहां लोग अपनी सीट रिजर्व करने के लिए रुमाल, गमछा कुछ भी छोड़ जाते थे, और यह माना जाता था कि यह सीट उनके लिए रिजर्व है। इस समय देश की संसद में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हमने देखा कि किस तरह से भाजपा अपने एक व्यक्ति को उतारती है पश्चिम बंगाल में। ये पूर्व पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार सपन दास गुप्ता की बात है, जो राज्यसभा सांसद थे। राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दिया, पहुंचे कलकत्ता, पहुंचे बंगाल, बंगाल में इन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का, हार गए, फिर वापस उसी सीट पर जहां पे वो गमछा रखे गए थे मोदी जी की कृपा से, जो कि देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, वह पहली बार हुआ। दोबारा उन्हें उसी सीट पर राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया। इसी की तरह हमें दिखाई देता है कि इस समय देश में जो मानवाधिकार की बात करने वाले लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सदमा है कि सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जज अरुण मिश्रा को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि लोग जानते हैं कि उनकी जो नजदीकी मोदी सरकार से है सिर्फ वही नहीं, या सिर्फ अडानी से है सिर्फ वही नहीं, उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण फैसलों में तमाम मानवाधिकार हकों के बारे में आवाज उठाने वालों के खिलाफ फैसला दिया। इस न्यू नॉर्मल पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह न्यू नॉर्मल लोकतंत्र के तमाम ढांचों को ध्वस्त कर रहा है और आपको और हमको इम्यून बना रहा है। यह कोरोना वैक्सीन नहीं है, यह लोकतंत्र के खात्मे के लिए तैयार किया गया मोदी वैक्सीन है। शुक्रिया।